पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब छह मुख वाले पुत्र यानी स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन यानी स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने वृषकेतु यानी शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट यानी विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।